तहसील थाना क्षेत्र में एक जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बार का चौकीदार जख्मी हुआ है। तहसील थाना क्षेत्र के गीतांजलि टॉक स्थित हॉट कॉल बार एंड रेस्टोरेंट में गुरुवार की रात करीब 12 बजे आरोपी निकुंज गौर आया और बार के शटर को लात मारकर खोलने को कहा। बार के चौकीदार रमेश मिश्रा ने उसे बार बंद होने की जानकारी दी, मगर वो दारू के नशे में था। वो रमेश से विवाद कर चला गया, मगर वो फिर शुक्रवार को आया और फिर बार खोलने को कहा। फिर एक बार रमेश ने उसे बताया और दोनों में विवाद हुआ। इसी समय आरोपी ने शस्त्र निकालकर रमेश पर वार कर फरार हो गया। वारदात के बाद तुरंत बार मालक ने पुलिस को जानकारी दी। तहसील की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। जांच कर आधे घंटे में ही पुलिस ने आरोपी निकुंज गौर को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच चल रही है। पुलिस स्टेशन तहसील हद्दीत गीतांजलि टाकी चौका जवळ हॉट गोल्ड रेस्टॉरंट आणि बार आहे। तेथे फिर्यादी हे रमेश मिश्रा जे आहेत ते गार्ड म्हणून काम करत होते। परवा संध्याकाळी रात्री 12 दरम्यान 21 तो त्याच्या शटरला लाथा मारू लागला आणि बार उघडतो, म्हणतो की मी 12 बंद करतो। हा म्हणतो तू कैसा नाही खोलता, तुझी देख लूंगा, असं म्हणून चालला गेला तो। काल परत पुन्हा तो आला तेव्हा त्या गार्डने त्याला हटकलं, असं त्याने गार्डशी वादविवाद केला आणि त्याच्याजवळ एक धारदार जे शस्त्र होतं ते गार्डच्या हातावर वगैरे त्यांनी मारलं, त्यांना जगर दुखापती केलं। लगेच फिर्यादींनी त्यांचे जे बारमालक लांजेवार यांनी लगेच 112 कॉल केला। तात्काळ आम्ही घटनास्थळी गेलो। आमचे जे नाईट अधिकारी होते कंसेसाहेब ते मेव हॉस्पिटल इथे गेले, घटनेचा माहिती घेतली आणि आरोपी जो हा निकुंज मदन गौर हे याचा शोध घेतला आणि त्याला लगेच तात्काळ अटक केला। आरोपी जो हे हा एक आरोगंड आहे आणि त्याच्यावर याच्यापूर्वी पण एक 294, 323 तसेच 353 गुन्हा दाखल आहे, 324 गुन्हा दाखल आहे, काल पण 326 गुन्हा दाखल केला आणि एक 8 तासात आरोपीला लगेच अटक केला। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।